घर घर भाजपा, हर घर भाजपा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इस कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ के सम्मानित पार्षद विवेक चौधरी के साथ घर घर विजिट किया, मोहल्लों में विजिट किया और बीजेपी की नीतियाँ, बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं और बीजेपी के जो काम किए हैं वो कामों को लोगों को बताया और झंडे पैम्फलेट सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें और लोगों का आह्वान किया कि 2022 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी होता है। ये तो एक रूटीन का काम है, हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ साथ देते हैं, रोज़ काम करते हैं, तो इससे समस्याएं बढ़ती हैं। बहुत सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, लाइटें लग चुकी हैं, पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं और बहुत सारे काम बाकी होने हैं। वो आगे इसलिए लोगों का आश्वासन दिया कि जो भी काम आपके हैं पूरे होंगे और जब तक भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार जो है निश्चय है, अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। अच्छा आप बताइए, आप देखिए सबका अपना अपना अंदाज है बोलने का, सबका अपना अपना कर्म है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, भाजपा के लिए काम करता रहूँगा। हमारे साथ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे प्रवीण संधू जी मौजूद हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं और सभी का हक है टिकट मांगने का और सभी जो है चुनाव में जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2022 का आगामी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और उसी संदर्भ में आज का हमने कार्यक्रम रखा था, घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। तो उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रवीण संधू जी हैं, हमारे वार्ड के बहुत सम्मानित जो प्रबुद्ध जन लोग हैं, हम सब ने मिलकर के पार्टी का प्रचार प्रसार किया, 2022 के लिए लोगों को योजनाओं से अवगत कराया और हर घर हमारा पहुँचने का उद्देश्य था ताकि पार्टी हर घर तक पहुँच सके। इससे पहले क्यों नहीं चलाया गया? देखिएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ की किसी निमित्त कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक है चुनाव के दौरान तैयारियां थोड़ा सा युद्ध स्तर पर होती हैं, तैयारियां बड़े स्तर पर की जाती हैं और पब्लिक को हम लोग प्रेरित करने के लिए, भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए, भाजपा की रीति नीतियों से अवगत कराने के लिए चुनाव एक बहुत अच्छा माध्यम होता है ताकि सब घर जा सके। देखिएगा, नगर निगम से जहाँ तक हम अपने वार्ड की बात करें तो हम लोगों ने 80% विकास इन 2 सालों में पूरा कर लिया है। हमारा वार्ड था बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आया था, हमारा उद्देश्य था कि हम कहीं ना कहीं रुड़की के स्तर तक इसे लेकर के जाएं, सेमी अर्बन में भी अगर हम इसे ले जाते हैं तो हमारी उपलब्धि होगी, लेकिन हमने उस लाइन को भी पार करके 80% विकास कार्य यहाँ, चाहे वो लाइट की पथ प्रकाश व्यवस्था है, चाहे पानी की ड्रेनेज की है, चाहे सड़कों के विकास की, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 11 डिफेंस कॉलोनी विकास कार्य हम सबसे अग्रणी।